कृपा करने की अपनी रहमत प्रसाद साढ़े छिंदे भाग
Hi guys, welcome back to my channel. अज फिलहाल फिर आपां तुहानू एक नवी जगह और नवे स्थान ते लैके आए हां, यानी कि बटाला शहर दे विच, बटाले शहर तो 6-7 किलोमीटर दूरी ते आ अचल साहिब। इस जगह इन्नी क पवित्र और इतिहासिक पुरानी है कि इस जगह ते पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का इत्थे चरण जिहड़े पे ने, इस करके बहुत ज़्यादा पवित्र जगह ने। इस जगह ते शंकर जो कि तीन लोक दे मालिक शंकर भगवान जी खुद इस जगह ते उन्हां दे भी चरण पे ने। ते ए जगह जिहड़ी आ बहुत ही पुरानी और इतिहासिक है, इस करके बाकी तुसी खुद ही इन्ना क सोच सकते जे कि जिथे शंकर भगवान जी और गुरु नानक देव जी आए होण वो जगह किन्नी क पवित्र और किन्नी क अहमियत हो सकती है। फिलहाल मैं और मेरा दोस्त महताब सिंह आप इस जगह पर अज पहुँचे हाँ। काफ़ी हद तक इन्ना कि मैं खुद कह सकता भी मैं बहुत एक खुशनसीब हूँ कि इस जगह पर मैनू आने का मौका मिला, क्योंकि शंकर भगवान जी और गुरु नानक देव जी अक्सर दोवां का हुक्म होया ता ही आप इस जगह पर अज पहुँचे हाँ। बाकी ये जगह इतिहासिक बहुत ज़्यादा आ, इहदे बारे मैं ज़्यादा पढ़िया नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन के थले लिख दाँगा, तुसीं पढ़ सकते जे। बाकी शंकर भगवान जी का इत्थों का आउण दा हिंदू मत मुताबक तारकासुर ने इत्थे तपस्या कीती सी, ते तारकासुर ने जदों तपस्या कीती ते शंकर भगवान जी फिर उन्हां दी तपस्या तो खुश हो के इस जगह ते उन्हां नूं जानी के उस तपस्या का फल देने वास्ते शंकर भगवान जी खुद आए, क्योंकि शंकर भगवान जी इस तरह के हैं कि जदों उन्हां दी कोई निगाह जां नज़र असवली जदों किसी चेले ते हुंदी आ ते शंकर भगवान जी फिर अकाल मार्ग करके और अपना जगह छड्ड के उस चेले नूं मिलन वास्ते फिर जरूर आउंदे आ। सिफत उन्हां दी करनी जिहड़ी आ मैनूं लगदा भी सूरज नूं जिवें कोई दीवा दिखाउण वाली गल आ। ये शंकर भगवान जी का दरबार आ, ये जगह इस करके अहमियत है। और गुरु नानक देव जी का भी नाल ही पिछे गुरद्वारा साहिब आ,
उस जगह पर गुरु नानक देव जी का पहुँचना भी एक इत्थे लोग जिहड़े सिद्ध लोग सिद्धां दा कब्जा काफ़ी सी इस जगह पर जिन्हां दे करके उन्हां नूं सीधे रस्ते पाउण वास्ते गुरु नानक देव जी भी पहुँचे सी। बहुत खुशी की एक गल आ कि अज फिलहाल आपां नूं मौका मिलिया इस दरबार से इस मंदिर से इस गुरद्वारा साहिब से और शंकर भगवान जी के दरबार से आउण दा। नहीं तो मैं अज पहली बार इस जगह पर इस मंदिर से फिलहाल पहुँचा है। वीडियो चंगी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर करो मेरे ते। जय हो शंकर दी हर हर महादेव। शंकर भगवान जी दे एक चेला नहीं आ जा एक भगत नहीं आ, मेरे अड़के बहुत ही ज़्यादा ने ते जिन्होंने फल जिन्होंने इन्नी क तपस्या की आपां उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते। ते सब तो पहले नंबर ते जेड़े शंकर भगवान जी दे चेले ने वो हैगे ने रावण जी, क्योंकि रावण जी इन्ने क महान और इन्ने क विद्वान सी, उन्हां दी भी जेड़ी रीस करनी रती भर भी जेड़ी आ नामुमकिन आ। इस करके फिलहाल चलो मैं अपनी सोचना चलदा आ, मैं उन्हां लोगों की सोचना नहीं चलता कि जेड़े फिलहाल उन्हां दा बुत फूकदे आ, मैं उस लाइन नूं नहीं जा रहा। फिलहाल मैं एक तारीफ की गल कर रहा हाँ, क्योंकि शंकर भगवान के एक इको विक सी जेड़े चेले जिन्होंने 10 वारी अपना शिर ला के शंकर भगवान जी दे भोलेनाथ जी दे चरणा च रख दिता सी। जे कोई इन्ने जोगा हैगा तां उहदा कोई पुतला फूक सकदा आ, नहीं तो मैं उन्हां वीरां नूं बेनती करांगा इन्हां चीज़ां वल मत मेरे वीर जाओ, क्योंकि शंकर भगवान का एक इको एक अलौता रावण जी चेले होए ने। वीडियो चंगी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर करो। अज फिलहाल आप शंकर भगवान जी के दरबार से आए सा और मंदिर से, बहुत ज़्यादा सानू खुशी और सुकून मिलिया तन और मन, बहुत ज़्यादा सानू आनंद इत्थे आ के मिले। वेख सकते जी मगर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का अज दरबार से मेला लग्या होया आ, जिहड़ा कि हर साल की तरह इस तरह ही इस शंकर भगवान जी के दरबार से इस तरह ही मेला लगता है। तो लोग अपने भैन और भरावां दे नाल दोस्तां दे नाल माता और पिता दे नाल पहुँचे हुए हैं। वीडियो चंगी लगे तो शेयर लाइक सबसक्राइब चैनल जरूर करो। तुसीं वेख सकते जी मेरे पिछे यह सरोवर आ शंकर भगवान जी दे मंदिर दे चार सपेरे। जरूर अगर तुहाडा मौका लगे तो इस मंदिर दे दर्शन करने वास्ते जरूर शंकर दे आयो। बहुत पवित्र और इतिहासिक जगह आ, साढ़े लागे जगह आ। मैं ना कि जे अगर अही अपने नज़दीक कोई इन्नी पुरानी जगह और इतिहासिक जगह पर नहीं ना पहुँच सकते तो मैं लगता आप दूर से फिलहाल फिर जा ही नहीं सकते। तो बहुत ही ज़्यादा मैं मुकद्दर मेरे लगता भी शायद ठीक आ, बहुत ही मेरे से शंकर भगवान की और वाहेगुरु की और अकाल पुरख की कृपा आ कि मैं घूमन फिरन दे विच मैनू इजाजत ये मेरे वाहेगुरु ने मेरे शंकर ने दिती हुई आ। नहीं तो मैं लगता इतने बड़े बड़े लोग ने जिन्हों को इन्ना टाइम नहीं है, घूमना फिरना भी केंद्र वो इजाजत तो बगैर आप घूम फिर भी नहीं सकते जिन तक अकाल पुरख और परमात्मा और शंकर भगवान जी जे किसी आर्डर ना देते दे। तीन लोग दे मालिक ने, उन्होंने आर्डर तो बगैर आप कितने लगता मैं शायद घूम भी नहीं सकते। हर हर महादेव। तो वीडियो में शेयर लाइक सब्सक्राइब चैनल जरूर करो। इस तरह तुम वेखते रहो बलवीर सिंह शेरगिल का चैनल। शंकर भगवान जी की यह जगह बहुत ज़्यादा पवित्र आ और यह जगह पर गुरु नानक देव जी भी पहुँचे, इस करके ये जगह जी बहुत ही ज़्यादा पवित्र और तुहानू
ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਘੱਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਆ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਟਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਤਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।